नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम आपको लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, हम आपको मॉल्स दिखाएंगे। मॉल्स हमने स्पेशली कुछ डिटेल में आपको नहीं दिखाया, तो सोचा आज दिखाते हैं अच्छे से क्या क्या होता है अंदर, कैसे बाहर, सब कुछ, एवरीथिंग। और जो मॉल है ना वो नया है, नया बना है, इसी साल बना है, बट हम लोग पहली बार जा रहे हैं। वैसे तो काफी टाइम हो गया बने हुए, अप्रैल में हो गया था, तो उसके बाद अप्रैल नहीं और जुलाई अगस्त में बन गया था। फिर हम इंडिया चले गए थे, इंडिया से आकर बस अभी थोड़ा फ्री हुए, और यहाँ पर निर्भय के डैड भी आ गया रेडी होकर। नाश्ता पानी सब हमारा हो गया, अभी निर्भय भी रेडी हो गया है। क्या देख रहे हैं अभी आप टीवी में? नीलकंठ मूवी देख रहे हैं, जो कि काफी अच्छी है बच्चों के लिए। आपको अच्छी लग रही है? हाँ जी, तो मेरे साथ चलिए। तो बस अभी सब लोग तैयार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मॉल्स है ना वो ज्यादा देर खुला नहीं रहते हैं, मीन्स मैक्स टू मैक्स 3 बजे तक खुले रहते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। जो सुपरमार्केट्स है वो खुले रहते हैं, बाकी सब बंद। तो अभी 12:15 लगभग 12 बजने वाले हैं, तो अभी हाई टाइम है कि जल्दी जाते हैं वहाँ पर। तो बस चलिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फील्ड्स मॉल में, जो कि नया बना है। जुलाई अगस्त में शायद उसका इनॉग्रेशन हो गया था, बट हम लोग फिर इंडिया चले गए थे ना, तो जा नहीं पाए, तो हम लोग भी आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो इसलिए हम आपको डिटेल अच्छे से दिखाने वाले हैं। पार्किंग एरिया है, जो कि बिल्कुल अभी खाली लग रहा है। ईस्ट साइड है, दूसरी साइड है, यहाँ पर है। तो फाइनली हम लोग अभी फील्ड्स मॉल में पहुंच चुके हैं। तो ये है अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया, तो यहाँ पर लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए। ये भी यहाँ से एंट्रेंस है, एंटर होते ही ऊपर सुपर स्पार आ जाता है, फिर डिस्कम फार्मेसी आ जाती है। हाँ देखो, आओ, तो निर्भय दिखा रहा है यहाँ पर स्टोर्स की पूरी डायरेक्शंस दी गई है कि कौन कौन से स्टोर्स हैं यहाँ पर और किस किस तरफ है। तो ये है जेबी स्पोर्ट्स, इनके यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड शूज, टी शर्ट्स, सारा स्टफ मिलता है। काफ़ी बड़ा स्टोर है, इसके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। तो स्टोर्स तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे हैं, क्योंकि यहाँ के सारे मॉल्स में ही होता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या क्या है, जो हमें जहाँ जो काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छा मिलता है। एडगर्ड में दिखाते हैं, वुलवर्स दिखाते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं एडगर्ड्स में। ये जो स्टोर है यहाँ पर आपको क्लोथिंग से रिलेटेड, लाइक बच्चों की, बड़ों की, सबके क्लोथिंग, सबको ज्वेलरी वगैरह, फुटवेयर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस वाइज भी अच्छा होता है, समटाइम्स बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स लग जाती है, तो यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग। देखिए यहाँ पर ना बैग के साथ मैचिंग शूज़ भी है, जैसे बैग है वैसे ही शूज़ है, बिल्कुल मैचिंग। ये सैमसंग सेल सिटी करके शॉप है, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर ही कैफे भी बना हुआ है, तो कैफे यहाँ बैठ कर आप खा पी सकते हैं और शॉपिंग कर लीजिए। ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का टीवी है, और मेरे पीछे जो टीवी है काफ़ी ह्यूज है, और यहाँ पर ना ओप्पो ब्रांड की चीज़ें, मतलब फ़ोन भी आने। भाई ये जो देख रहे हैं ये वुलवर्स से भी काफ़ी अच्छा ब्रांड, और यहाँ की क्वालिटी वगैरह सब अच्छी होती है, तो आपको वो तो दिखाते ही हैं। प्लस यहाँ पर इंटीरियर देखिए, क्रिसमस आने वाला है ना, तो हर स्टोर्स में तैयारी शुरू हो गई है। तो ये यहाँ पर फ्रूट्स हैं, और काफ़ी अच्छे स्वीट फ्रूट्स रहते हैं, और यहाँ प्लांट्स भी मिल जाते हैं ना प्यारे प्यारे। तो यहाँ की ब्रेड, केक, कुछ भी कह लीजिए, फ्रूट्स भी तो इतने अमेजिंग होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट टेस्टी एंड क्वालिटी A1। वो सारा फ्रोजन कॉर्नर है, जहाँ फ्रोजन वेजिटेबल्स और ये लिकर एंड ऑल भी यहाँ पर वाइन वगैरह होती है। तो ये सारी ऑयल की कलेक्शन आप देख रहे हैं ना, ऑलिव ऑयल में भी एक्स्ट्रा वर्जिन और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है। एवोकाडो ऑयल भी है, मैंने पहली बार देखा है एवोकाडो ऑयल।
तो ये जो स्टोर है ना, यहाँ पर आपको क्लोथिंग से लेकर क्रॉकरी प्लस खाने पीने का भी सब कुछ मिल जाता है। मिलते हैं यहाँ पर फ्लावर बुकेज और फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं, आप देखो रोजेस वगैरह फ्रेश। हाँ फ्रेश। यहाँ पर वेजीज जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं वो मिल जाएंगी, और यहाँ जूसेस के कलेक्शन है आप देख रहे हैं, और केक वगैरह भी है। सिंपल केक मिलते हैं, कोई फैंसी नहीं मिलेंगे, बट जो भी मिलेंगे ना ट्रिपल एंड केक वगैरह वो बहुत टेस्टी। और अभी हम चलते जा रहे हैं, वो पीछे से शुरू हुआ था, चलते 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 जा रहे हैं। मिस्टर प्राइस स्पोर्ट्स है, यहाँ पर भी अच्छा मिलता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड सारा स्टफ मिलता है। ऐसे चाइनीज शॉप्स भी हैं, यहाँ पर चाइनीज सामान मिलेगा पूरा। और ये है मिस्टर प्राइस जो कि नॉर्मल क्लोथिंग है, एक तो स्पोर्ट्स का था, ये खाली नॉर्मल क्लोथिंग की शॉप है। स्टोर्स ऐसे भी है जहाँ पर गिनकर कुछ ही सामान रखा हुआ है, पता नहीं खोले क्यों है ये। तो मिस्टर प्राइस होम्स, मिस्टर प्राइस होम्स जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कलरफुल चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी यूनिक और प्यारी सी कलेक्शन है शॉप की, तो एक बार दिखाते हैं आपके साथ। किचन से रिलेटेड, आपके होम डेकोरेशन से रिलेटेड सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, बेड शीट्स, ये कंफर्टर वगैरह, वो सारी सब कुछ है। ये एक्रमेंट्स, यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड चीजें मिलती है पूरे स्टोर में, बच्चों के टॉयज भी है, पर क्लोथिंग फुटवेयर वो सारी चीजें हैं। पेप जहाँ पर काफी लो प्राइस में आपको चीजें मिल जाती है, बच्चों बड़ों सबका, क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होती है बट प्राइस बहुत कम। इट्स ऑल्सो नेटिव, वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। एक ही शॉप जो निर्भय लेकर जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ टॉयज दिख रहे हैं। पिक एंड पे जो कि ग्रोसरी स्टोर है, और यहाँ पर मिलती है क्राफ्ट से रिलेटेड जो कि बोत्सवाना का हैंडमेड होता है ना, तो ये पूरी जो ज्वेलरी एंड ऑल आप देख रहे हैं सारी हैंडमेड ब्रेसलेट वो सारे यहाँ पर बीच में, और ये प्रिंट रहता है, जैकेट्स वगैरह, स्कर्ट्स हैं, ये इनका ट्रेडिशनल अटायर है। और यहाँ पर एक क्लिक्स जो कि अंदर दिखाते हैं आपको, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाते हैं, मतलब किचन से रिलेटेड स्टफ, फैंस वगैरह, विच ब्रश, बच्चों के ब्रशेज वगैरह। तो क्लिक्स में आपको ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड या मेडिकेशन से रिलेटेड, कुछ भी चाहिए हो, गिफ्ट्स लेना हो, स्वीट्स लेनी हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, एंड काफ़ी बड़ा है। पिक एंड पे लेकर चलते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर ग्रोसरी स्टोर है यहाँ पर। एंटर होते ही आपको इतने सारे बनानास, देखिए लॉट्स ऑफ बनानास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फिर आगे बेकरी शुरू हो जाती है। बस कोई प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं ना, तो पहले आपको यहाँ सबमिट करवाने पड़ते हैं और उसके बाद आप शॉपिंग कर लीजिए। काफ़ी आगे तक है जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, फ्रूट्स हैं, योगर्ट वगैरह है, ब्रेड्स मिल जाती है, और ये पूरा इधर बेकरी सेक्शन है जहाँ पर आपको ये देखिए पाव, ब्रेड वो सब मिल जाता है आपको। इवन दिखाते हैं केक्स ये यहाँ पर ज़्यादा फैंसी केक नहीं, बट इस तरीके के केक्स मिल जाते हैं। और ये निर्भय का फेवरेट है क्रीम डोनट, जो कि इसको पिक एंड पे का बहुत अच्छा लगता है। हाँ हम ये ले रहे हैं क्रीम डोनट जो कि निर्भय को खाना है। पर ना ऐसे देखिए वेजेस कटी हुई रहती है, तो आप ये जो आपको वहाँ पर बॉक्सेस दिख रहे हैं ना उसमें डालकर रख सकते हैं जो भी आपको लेना है। प्राइजेस यहाँ पर लिखे हुए होते हैं कि असॉर्टेड है सारी चीज़ें। देख रहे हैं ये है रॉक बंस, क्योंकि उसकी शेप रॉक जैसी है तो इसलिए रॉक बन कहा जाता है इसको। तो मिल गया हमारा यहाँ की लोकल वेजिटेबल होती है जिसे कहते हैं जैम स्क्वाश, और पीनट तो खैर सबको पता ही है, स्वीट पोटैटोज एंड बटरनट, ये भी इनकी लोकल होती है, बहुत ज़्यादा लेकिन ये लोग खाते हैं इन चीज़ों को, तो ये काफ़ी मिलता है यहाँ पर। दूध यहाँ पर ऐसे मिलता है पैकिंग में, 2 लीटर में मिलता है मैक्सिमम, और फिर 1 लीटर का भी होता है, फिर योगर्ट वगैरह छोटी 500 ग्राम की भी होती है।
हाँ, ये जैसे हम दही खाते हैं ना, यहाँ की लस्सी होती है, मडीला कहते हैं ट्रेडिशनल, काफी खट्टा खट्टा रहता है। यहाँ पर ब्राई वगैरह बहुत होती है कुकिंग में, तो यहाँ पर जो मेरे पीछे आप कॉर्नर देख रहे हो, यहाँ पर सारा उसी से रिलेटेड सामान आपको मिलेगा, जैसे ब्राई स्टैंड है और जिसे कोल वगैरह पकड़ते हैं, कोल्स एंड ऑल सारी चीजें हैं। ये पे को आइसक्रीम भी मिल गई है, क्रीम डोनट भी मिल गया है। अभी हमने आपको अंदर का दिखाया ना अभी सारा, अब हम आपको बाहर दिखाते हैं, क्योंकि निर्भय का फेवरेट वाला पार्ट है जिसके लिए वो वेट कर रहा है कि कब यहाँ से आप फिनिश करो और हम बाहर जाते हैं। बाहर की तरफ आपको फूड कोर्ट मिलेगा, मींस जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो सारे आउटर साइड में ही होते हैं। यहाँ पर पेके है, पेड्रोज, यहाँ आ जाता है निर्भय का फेवरेट कॉर्नर जो कि है किड्स सेक्शन। तो अब बस वहीं जाएगा निर्भय अभी। चलो अभी आइसक्रीम खाना है। हाँ, अच्छा है कि ना इन्होंने शेड्स लगाया हुआ है बैठने के लिए, आप बैठ आराम से हवा में खुले में बैठ सकते हैं और बच्चों को भी देख सकते हैं जो कि प्लेइंग एरिया बैक साइड है, और खेलने के लिए स्विंग्स भी है और पानी की एक्टिविटीज भी है। तो ये कुछ भी पेड नहीं होता है, फ्री ऑफ चार्ज है। वाओ, वहाँ पर क्लाउड्स बन रहे हैं, बारिश आने का सीन भी हो रहा है, पर गुड थिंग कि मन निर्भय इंजॉय कर रहा है। एक तो फुल गर्मी है ना, पानी में खेलने में मज़ा आ रहा है, तो अभी निर्भय ने फुल एंजॉय कर लिया यहाँ पर, और बारिश वाला आने का सीन बन रहा है, तो उससे पहले ही हम घर की तरफ निकल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने आपको सारी शॉप्स दिखाई दी है यहाँ की। अभी तो देखिए पूरा खाली है, जब यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक वो सब होना शुरू हो जाएगा आई थिंक तब ये पेड हो जाएगा, अभी ज्यादा नहीं क्योंकि काफी मोस्टली लोग ऊपर ही पार्क कर दिया सभी ने। और सामने आपको टेंपल दिख रहा है ना, वो इस्कॉन टेंपल है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती है, फ्लैट होता है, एक या ज्यादा से ज्यादा दो फ्लोर्स बस इतने में ही बना होता है। ये थोड़ा नया बना हुआ है अभी, तो इतना ज्यादा अभी क्राउड नहीं था नीचे जो आपको दिखाया ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग वो सब, पर काफी अच्छा मतलब सिंपल सा अच्छा सा छोटा सा मॉल होता है, ज्यादा चलना वलना इतना नहीं होता, स्टोर सारे मतलब आपको सारी जरूरतों की चीजें वहां मिल जाती है, बच्चों से लेके बड़ों तक की हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड होती है, टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ अच्छी नीट एंड क्लीन, इवन बच्चों का खेलने का एरिया आपने देखा है उसमें कुछ आपको पे नहीं करना होता, बच्चे आराम से, फूड के एरिया जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, खुले में आप खाओ पियो, बच्चों को देखो सामने खेल रहे हैं, तो ऐसे ही होते हैं यहाँ के मॉल्स। एंड आई होप आपको देखकर अच्छे लगे हो कि बोत्सवाना में कैसे क्या क्या चीजें हैं। ऐसी वीडियोज अगर आपको देखनी है बोत्सवाना से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख पाए यहाँ का लाइफ स्टाइल। तो फिलहाल बारिश आने वाली है, काफी ज्यादा डेंस क्लाउड्स हो गए हैं, तो हम लोग बस अभी घर ही जाते हैं और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, चलें, टेक केयर, बाय बाय।